अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हमने न्यू पेयरिंग स्कीम के बारे में बात करनी है बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 10th की। इसमें हम सब सब्जेक्ट्स की जो है वो पेयरिंग स्कीम को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं 10th क्लास की फिजिक्स की पेयरिंग स्कीम क्या है। सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है वो होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। उसमें से हमारे पास है चैप्टर नंबर 10 में से एक MCQs, चैप्टर 11 में से भी एक MCQs, चैप्टर 12 में से आएंगे 2 MCQs, चैप्टर 13 में से 1 MCQs, चैप्टर 14 2 MCQs, चैप्टर 15 1 MCQs, चैप्टर 16 2 MCQs, चैप्टर 17 1 MCQs, चैप्टर 18 1 MCQs। इस तरीके से ये MCQs वाला हमारा सेक्शन जो है वो कम्प्लीट हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास सेक्शन है वो होता है शॉर्ट क्वेश्चन का। ठीक है, तो शॉर्ट क्वेश्चंस में हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4। इसमें हमें शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब शॉर्ट क्वेश्चन सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें से हमने करने होते हैं अटैम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन। हमने कितने क्वेश्चन करने हैं? 5 करने। टोटल हमें 8 दिए होंगे इसमें और हमने 5 करने हैं। तो कैसे हमें क्वेश्चन दिए हैं? चैप्टर नंबर 10 में से हमें आएंगे 3 क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 11 में से भी 3 क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर नंबर 15 में से आएंगे 2 क्वेश्चन। हर क्वेश्चन के होंगे 2 मार्क्स और 8 हैं टोटल, इसमें से हम करेंगे 5। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। इसमें करना है हमने अटैम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस। इसमें से हमने 5 क्वेश्चंस करने हैं। तो चैप्टर नंबर 13 में से आएंगे 2 क्वेश्चंस, चैप्टर 14 में से 3 और चैप्टर 16 में से हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे 3। तो टोटल ये भी 8 क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी हमारे पास टोटल 8 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से हमने 5 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, ऐसे ही शॉर्ट क्वेश्चंस का नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो होता है क्वेश्चन नंबर 4। उसमें भी से हमने जो है वो 5 क्वेश्चन ही करने होते हैं और चैप्टर नंबर 12 में से आएंगे उसमें 3 क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 17 में से आएंगे 2 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 18 में से होंगे 3 शॉर्ट क्वेश्चन। टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चन हैं और चैप्टर नंबर 12, 17 और 18 में से आएंगे, जिसमें से हमने 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है पेपर का वो होता है लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11 की पेयरिंग होगी। तो उसमें से जो है हमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या है कि चैप्टर 10 में से आएगा और नुमेरिक जो होगा हमारे पास, मतलब कि जो लेंथी थ्योरी वाला क्वेश्चन होता है वो चैप्टर नंबर 10 में से आता है, आ सकता है, और नुमेरिकल फॉर्म का जो क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 11 में से। और बी पार्ट जो होता है उसमें हमें है कि चैप्टर नंबर 12 में से ज़्यादातर जो है वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। इस तरीके से इस चैप्टर 5 के कंप्लीट होते हैं दोनों पार्ट्स। ए पार्ट में चैप्टर नंबर 10 या 11 में से थ्योरी भी आ सकती है और न्यूमेरिकल भी आ सकता है, और चैप्टर नंबर 12 का बनेगा इसका बी पार्ट, जिसमें से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। उसमें चैप्टर नंबर 13 की और 14 की जो है वो पेयरिंग है और चैप्टर नंबर 13 में से चांसेस हैं कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाए और चैप्टर नंबर 14 में से जो है वो थ्योरी के चांसेस हैं। ठीक है, और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में जो है होती है वो पेयरिंग है 16 और 17। या तो 16 में से थ्योरी आ सकती है या तो 17 में से थ्योरी का क्वेश्चन आ सकता है, मतलब दोनों चैप्टर्स की थ्योरी आपको प्रिपेयर करनी है अगर आपने क्वेश्चन नंबर 7 अटैम्प्ट करना है। और इसी तरीके से चैप्टर नंबर 18 है, इसमें से भी न्यूमेरिकल भी आ सकता है और थ्योरी भी आ सकती है। तो ये भी फुल हमें प्रिपेयर करना होगा अगर हमने क्वेश्चन नंबर 7 करना है। अब लॉन्ग क्वेश्चन हमें 3 दिए जाते हैं, 5, 6 और 7। इसमें से हमने करने होते हैं 2 क्वेश्चन और 1 जो है वो हम चॉइस पे छोड़ सकते हैं। इस तरह फिजिक्स का पैटर्न कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है कौन सा पेपर? मैथ का। मैथ की पेयरिंग स्कीम जो है इस पे आपको डिटेल वीडियोस जो है मिल जाएंगी और इस चैनल पे भी इस मैथ पैटर्न की जो है वो डिटेल वीडियो है, जिसका लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। वहाँ से आप इसको डिटेल से देख सकते हैं कि मैथ के अंदर हमारी कैसे पेयरिंग्स बनेगी, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, सारी चीज़ों के बारे में उसमें वीडियो में बताया हुआ है। नेक्स्ट जो है हमारे पास आती है पेयरिंग स्कीम कंप्यूटर साइंस की पेयरिंग स्कीम है। उसमें हम क्या करते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का। तो उसमें आते हैं MCQs। तो MCQs देखें, चैप्टर नंबर 1 में से आता है 1 MCQs, चैप्टर 2 में से 2 MCQs, 3 में से 1 MCQs, 4 में से भी 1 MCQs और चैप्टर 5 में से 2 MCQs, चैप्टर 6 में से 1 MCQs, चैप्टर 7 में से जो है वो 2 MCQs। इस तरीके से हमारे जो है वो MCQs कंप्लीट हो जाते हैं और टोटल 10 MCQs होते हैं 10 मार्क्स के। ठीक है, और उसके बाद है शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चन के हमारे पास कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स हैं हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने करने हैं 4 क्वेश्चंस करने हैं और टोटल हमें दिए होते हैं 6 क्वेश्चंस। और चैप्टर नंबर 3 में से आता है 1 क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 6 में से आएगा 1 क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 7 में से 4 क्वेश्चन आते हैं शॉर्ट। और ये शॉर्ट क्वेश्चन टोटल है 6, इसमें से हमने अटैम्प्ट करने हैं 4। नेक्स्ट जो पार्ट है शॉर्ट क्वेश्चन का ही पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें से भी हमने 4 क्वेश्चन करने हैं और 6 दिए गए हैं। चैप्टर नंबर 1 में से आएंगे हमें 2 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 2 में से आएंगे हमें 4 शॉर्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस। इसमें से चैप्टर नंबर जो 4 है उसमें से हमें आएंगे 3 शॉर्ट क्वेश्चंस और चैप्टर नंबर 5 में से आएंगे 3 शॉर्ट क्वेश्चन। टोटल 6 ही क्वेश्चन है। इसमें भी चैप्टर नंबर 4 और 5 में से आएंगे और करने हमने इसमें से 4 हैं। 2 क्वेश्चन हम चॉइस पे छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट। लॉन्ग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7, ठीक है। और इसमें से हमने 2 करने हैं और 1 को हम चॉइस पे छोड़ सकते हैं। पहला जो हमें एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो चैप्टर नंबर 1 में से आएगा। सेकंड जो लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 3 में से। और जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 है वो हमें चैप्टर 2 में से भी आ सकता है या 6 में से भी आ सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है अब 10th क्लास की पार्क स्टडीज़ की पेयरिंग स्कीम देखते हैं। उसमें हमने सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें भी हमारे पास 10 MCQs होते हैं। चैप्टर नंबर 6 में से आएंगे 2 MCQs, चैप्टर नंबर 7 में से भी 2 MCQs, चैप्टर नंबर 8 में से 2 MCQs, चैप्टर नंबर 9 में से 2 MCQs, चैप्टर नंबर 10 में से 2 MCQs। हर चैप्टर में हमारे पास होंगे 2 MCQs और टोटल कितने मार्क्स हैं? 10 मार्क्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन होता है हमारा। नेक्स्ट है शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें हमने करने हैं अटैम्प्ट एनी 6 क्वेश्चन और टोटल हमें 9 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिसमें से हमने 6 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। और क्वेश्चन नंबर जो हमारा होता है 2, उसमें चैप्टर 6 में से आते हैं 5 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर 7 में से आते हैं 4 शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये भी शॉर्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन है। इसमें हमने करने हैं 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। टोटल हमें इसमें दिए हुए हैं 4, 2, 8 और हमें इसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं 11 क्वेश्चंस में से हमने 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। 4, 2, 6 और हमें 9 क्वेश्चंस दिए हुए हैं इसमें और 9 क्वेश्चंस में से हमने जो है वो 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। चैप्टर नंबर 8 में से करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन 4 आते हैं हमें और चैप्टर नंबर 9 में से शॉर्ट क्वेश्चन 3 आते हैं और चैप्टर नंबर 10 में से जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो 2 आएंगे। इस तरीके से हमें टोटल जो है 9 क्वेश्चंस दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में शॉर्ट क्वेश्चन 9 है, जिसमें से हमने 6 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो लॉन्ग क्वेश्चंस का। अब पार्क स्टडीज के लॉन्ग क्वेश्चंस 3 हमें दिए जाते हैं। 4, 5, 6 जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन है और किस किस चैप्टर में से आएंगे? जो पहला क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 6 में से आएगा, दूसरा क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7 में से। और जो 6 क्वेश्चन है उसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट चैप्टर 8 में से और एक पार्ट चैप्टर 9 में से आता है, ठीक है। इस टोटल 3 क्वेश्चन है, इसमें से हम 2 कर सकते हैं और 1 को हम चॉइस पे छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है केमिस्ट्री की पेयरिंग स्कीम 10th क्लास की। तो 10th क्लास की केमिस्ट्री की पेयरिंग स्कीम में सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का। में जो है वो आते हैं चैप्टर नंबर 9 में से 2 MCQs, चैप्टर 10 में से 2 MCQs, चैप्टर 11 में से 1 MCQs, चैप्टर 12 में से 1 MCQs, चैप्टर 13 में से 2 MCQs, चैप्टर 14 में से 1 MCQs, चैप्टर 15 में से 2 MCQs, चैप्टर 16 में से 1 MCQs। अब नेक्स्ट पार्ट है शॉर्ट क्वेश्चंस का। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने करने हैं अटैम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस करने हैं। टोटल हमें 8 क्वेश्चन दिए गए हैं। चैप्टर नंबर 9 में से आते हैं 4 शॉर्ट क्वेश्चंस और चैप्टर नंबर 10 में से आते हैं 4 शॉर्ट क्वेश्चन। टोटल 8 में से हमने 5 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, इसमें जो है वो चैप्टर नंबर 11 में से आएंगे 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर 12 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर 13 में से आते हैं 3 शॉर्ट क्वेश्चन। और इसमें से हमने 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। इसमें भी हमें जो है वो 8 क्वेश्चन दिए गए हैं और इसमें से हम 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 4, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें हमने करना है चैप्टर 14 में से आते हैं 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर 15 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर 16 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। टोटल 8 क्वेश्चन है, जिसमें से हमने 5 क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट करने हैं। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो है लॉन्ग क्वेश्चन का। केमिस्ट्री के लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो चैप्टर नंबर 5 में से जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जो बनता है वो है चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10। ए पार्ट जो है वो चैप्टर 9 में से होता है और जो बी पार्ट है क्वेश्चन का वो चैप्टर 10 में से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 6 है लॉन्ग क्वेश्चन का वो है ए पार्ट चैप्टर आता है चैप्टर 12 में से और बी पार्ट चैप्टर 13 में से। ऐसे जो लॉन्ग क्वेश्चन 7 होता है हमारे पास उसका जो है वो ए पार्ट होगा वो चैप्टर 15 में से आएगा और जो बी पार्ट है वो चैप्टर 16 में से। केमिस्ट्री की पेयरिंग स्कीम कंप्लीट होगी। अब नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट पेयरिंग स्कीम जो है वो है बायो की। उसके हमने करनी है पेयरिंग स्कीम। सबसे पहले बायो की डिस्कस, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है इसमें। पहला जो क्वेश्चन होता है तो चैप्टर नंबर 10 में से इसमें आता है एक MCQs, चैप्टर 11 में से भी एक MCQs, चैप्टर 12 में से 2 MCQs, चैप्टर 13 में से 1 MCQs, चैप्टर 14 में 1 MCQs, चैप्टर 15 में 2 MCQs और चैप्टर 16 से 2 MCQs, 17 में से भी 1 MCQs और चैप्टर 18 में से भी 1 MCQs। तो बायोलॉजी का जो हमारा पहला क्वेश्चन होता है MCQs का और उसके बाद आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चंस हमने पहला जो सेक्शन होता है शॉर्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2 उसमें आते हैं चैप्टर 10 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 11 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन और 12 चैप्टर में से आएंगे 3 शॉर्ट क्वेश्चन। टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चन में से हमने करने हैं 5 शॉर्ट क्वेश्चन और हर शॉर्ट क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं। और चैप्टर आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। 13 चैप्टर में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, 14 चैप्टर में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन और 15 चैप्टर में से आएंगे 4 शॉर्ट क्वेश्चन। टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चन में से हमने 5 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने करने हैं शॉर्ट क्वेश्चन ही और चैप्टर 16 में से आएंगे 4 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर 17 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर 18 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन। इसमें से हमने 5 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। लास्ट पार्ट जो है हमारे पास बायो के पेपर का वो होता है लॉन्ग क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो हमें 3 दिए गए हैं, इसमें से हमने 2 करने हैं। और क्वेश्चन जो 5 है पहला क्वेश्चन उसका ए पार्ट है वो चैप्टर 11 में से और बी पार्ट जो है वो चैप्टर 12 में से आता है और क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट चैप्टर 13 में से और बी पार्ट चैप्टर 14 में से आता है। इसी तरह जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है इसका हमारे पास जो ए पार्ट है वो चैप्टर 16 में से और बी पार्ट जो है वो चैप्टर 17 में से आता है। अब यहाँ पे एक नोट दिया गया है कि अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन आउट ऑफ 3 पार्ट के हमें जो भी लॉन्ग क्वेश्चन दिए गए हैं उसके हमें 3 क्वेश्चन दिए हैं, उसमें से हमने 2 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। और हर जो क्वेश्चन का पार्ट ए है इस पेपर में वो क्या करता है 5 मार्क्स कैरी करता है और जो पार्ट बी है उसके 4 मार्क्स हैं, ठीक है। तो यहाँ जो है वो हमारी पेयरिंग स्कीम जो है कंप्लीट हो जाती है और सारे सब्जेक्ट्स हमारे तकरीबन कवर हो गए हैं 10th क्लास के। और अगर आपको इस पेयरिंग स्कीम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप इस वीडियो में पूछ सकते हैं, इसके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मैथ की जो पेयरिंग स्कीम की वीडियो है वो आपको सेपरेट मिल जाएगी जिसका लिंक है वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। थैंक यू।